हाय फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरी एक प्रोडक्ट की रिव्यू जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पसंद करी है, आप मेरे व्यूअर्स ने, वो है इस नेक बैंड की, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने एज अ डेली ड्राइवर, रियलमी नेक बैंड जो विद ANC जो आता है। तो ये नेक बैंड यूज़ करते करते मेरे को अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा मुझे म्यूज़िक का शौक है, और मेरे को भी थोड़ा सा हो रहा था कि क्यों ना एक TWS ट्राई किया जाए। तो TWS भी अगर लेना है, ट्रूली वायरलेस लेना भी है, तो किस कंपनी का लेना चाहिए, कौन सा बेटर होगा, थोड़ा बहुत कॉल्स भी ले लें उससे, थोड़ा कॉल का क्लैरिटी अच्छा हो, सब कुछ हो। तो आप ही की तरह मैं भी पढ़ता हूँ, रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता हूँ। तो ओप्पो के बारे में मेरा एक बहुत पॉजिटिव व्यू बना हुआ था, चाहे वो किसी भी बजट का। ओप्पो का हर रेंज का एक प्रोडक्ट है, 9000 का भी है, 5000 का भी है, 2000 का भी है, 1500 का भी है। ओप्पो के जो नेक बैंड जाते हैं, जो पिछले साल का M31 था, वो बहुत ही बढ़िया नेक बैंड था इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक क्वालिटी। उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं थी, अभी M32 आ गया है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ओप्पो का प्रोडक्ट लूँगा, बिकॉज लोकल में सर्विस सेंटर भी है, एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड ब्रांड है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। और म्यूज़िक के लिए सब जगह मैंने पढ़ रखा था कि इसकी म्यूज़िक क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैंने ये परचेज़ किया, ओप्पो एनको बड्स, ट्रूली वायरलेस बड्स। ये देख पा रहे हैं पिल शेप्ड, यस, सामने में ओप्पो की ब्रांडिंग है। मैंने अनबॉक्स कर लिया है, बॉक्स कंटेंट्स आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत कुछ मिलता भी नहीं है। इसमें टाइप सी चार्जिंग केबल है, बट केबल बॉक्स में नहीं आता है, जस्ट यूज़र गाइड्स और दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, एक आपको बड्स में लगा हुआ मिलेगा और दो और ईयर टिप्स बॉक्स में मिलते हैं। तो ये मैंने ख़रीदा, बॉक्स अच्छा है, छोटा है, पॉकेट में आ जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसका, कि ये जो लिड है, ये मैग्नेटिक है, ये पूरा देख रहे गिर नहीं रहा, बट ये जो लिड है थोड़ा सा शायद कमज़ोर सा लगता है, हिलता है थोड़ा सा, बहुत हल्का, बट कंप्लेन नहीं कर सकते। 1800 रुपये की है ये, और ये मेरे को डिलीवरी मिला था 23rd of January, और आज 26 जनवरी है, 3 दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए, बैटरी अभी तक गई नहीं है पूरी तरह से। तो बैटरी बैकअप मैं कहूँगा अच्छा है, बट मैंने इसे एक्सटेंसिवली लाइक होल डे यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास दो हैं, एक रियलमी का नेकबैंड भी है, ये ओप्पो का भी है। ओप्पो मैंने मंगवाया है कि भाई घर में अपना गाना वाना कहीं सुनना हो, ऑफिस में बैठे हैं, कॉल्स लेना हो, वायरलेसली कॉल्स लेना हो, नेक बैंड में तो चलो वायर्स है। तो मैं अभी क्या कर रहा था, इसे ऑफिस ले जाता हूँ, दोनों को साथ में, रियलमी और ओप्पो को दोनों को साथ में ले जाता हूँ, और ओप्पो से कॉल्स लेना स्टार्ट कर दिया है मैंने। बट जो कि मैं बाइक चलाता हूँ, तो उस टाइम में कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसके बड्स को आप लगा करके कान में और आप कॉल्स रिसीव करेंगे बाइक चलाते हुए या सड़क पर पैदल चलते हुए, बहुत डिस्टर्बेंस आएगा लोगों को, बाहर का जो आवाज़ है बहुत सुनाई देगा। ये लेने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था कि इसमें आता है ब्लूटूथ 5.2, जिस वजह से इसका रेंज फार बेटर है रियलमी से, कनेक्शन फार बेटर है रियलमी से। ये ढक्कन खोलते ही, जैसे ही आप ये ढक्कन खोलेंगे, इंस्टेंटली पेयर हो जाएगा आपके लास्ट डिवाइस से। ओके, अब रह गया बात कि घर में इसका रेंज अच्छा है। मैं रियलमी के साथ कंपेयर करूं तो रियलमी का जो रेंज है, जिस जगह पर रियलमी जा कर के क्रैक करता है, उस जगह पर भी इसका कॉल या म्यूज़िक मैं ब्लूटूथ के थ्रू सुन सकता हूं, ये क्रैक नहीं करता या ब्रेक नहीं करता, तो इसका मतलब ये रेंज में है। अब ये ढक्कन को आप बंद करके इसको ऐसे ऐसे नचाओगे ना, देखिए ये नाचेगा थोड़ा सा लूज़, यहाँ ऊपर टॉप
दिख रहा है, ये देखे। तो ये है, नेटपिकिंग है ये, बहुत ज़्यादा इतना फैक्टर नहीं करता है, बस ठीक है 1800 रुपये में आपको और क्या मिलेगा। तो कॉल क्वालिटी अच्छी है, अगर आप एक शांत वातावरण में बैठ करके इससे कॉल्स ले रहे हो तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा, कोई भी नहीं। वॉइस क्लैरिटी मेरे जो सामने वाले जो थर्ड पार्टी जिससे मैं बात करता हूँ उसको कोई डिफरेंस मालूम ही नहीं चलता है कि मैं किससे कॉल कर रहा हूँ। इसके टच कंट्रोल्स जो कि यहाँ ऊपर में बड्स में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बड्स इस तरह से मिलता है, ईयर टिप लगा हुआ बड्स में, यहाँ ऊपर में टच कंट्रोल्स है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। सारे टाइम आप जितनी बार भी टच करोगे उतनी बार ये काम करता है, मिस टचेस नहीं है इसमें। तो उस हिसाब से ओप्पो ने बहुत बढ़िया काम किया है। और रह गया बात मेरा जो कंसर्न था म्यूज़िक, आई एम रियली अमेज्ड, मैं हैरान हूँ इसकी क्वालिटी से और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। अगर आपका मीडिया कंजम्पशन है, लाइक आप यूट्यूब देखते हो, मोबाइल पर हो, मैंने इसे अपने एंड्रॉयड टीवी से भी पेयर कर रखा है ब्लूटूथ के थ्रू, तो अगर आप गाने सुनते हो, गाने सुनने का आपको शौक है, आप मीडिया कंजम्पशन आपका बहुत ज़्यादा है, तो मैं गेमिंग नहीं करता तो मैं गेमिंग के लेटेंसी के बारे में आपको नहीं बता सकता, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। हो सकता है ये कमी आपको मेरे रिव्यू में दिख जाए, बट ये मेरा फ्रैंक ओपिनियन है इस प्रोडक्ट के बारे में, जो मैंने 4 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो गाना सुन करके मुझे बहुत मज़ा आया इसमें, जो मीडिया कंजम्पशन का जो क्वालिटी है इसमें, चाहे वो गाना सुनिए चाहे यूट्यूब पर वीडियो देखिए, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। तो जिस लिए मैंने इसको लिया था दैट इज़ वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और रह गया बात प्ले एंड ये वेयर डिटेक्शन भी सपोर्ट करता है, अगर आप निकाल दोगे बर्ड्स को गाना चलते वक्त तो गाना पॉज हो जाएगा, और आप एक बर्ड से भी कॉल ले सकते हैं और एक बर्ड पे भी गाना सुन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों बर्ड्स लगाना। तो और इसकी एक, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो इसका जो ऐप है हे मेलेडी ऐप, आप प्ले स्टोर से हे मेलेडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके बर्ड्स के स्टेटस आपको पता चल जाएगा, बर्ड्स में कितनी बैटरी है, केस में कितनी बैटरी है, और आप इंडिविजुअल बर्ड्स के टच टच को कन्फिगर भी कर सकते हैं हे मेलेडी ऐप के थ्रू। तो यही है, ये मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियंस इसके बारे में। मैं खुश हूँ इससे कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट ख़रीदा 2000 के नीचे। आई थिंक दीज आर वन ऑफ द बेस्ट TWS यू कैन बाई राइट नाउ, ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड है ओप्पो, बहुत टाइम से मार्केट में है, और ऑडियो के मामले में ओप्पो इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब। ये बोट और साउंड कोर ये सब में जाने से अच्छा है आप ओप्पो ले लीजिए, चाहे उसके नेक बैंड हो 1500 में, चाहे TWS, गो फॉर ओप्पो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।